नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एमडीएसडी कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इको क्लब एवं राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से डॉक्टर किरण अंगीरा की अध्यक्षता में एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर किरण अंगीरा ने कहा कि पर्यावरण विषय का जीवन में बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण एकमात्र घर है जो मनुष्य के पास है और ये हवा, भोजन और अन्य जरूरतें प्रदान करता है। इस लेक्चर में मुख्य वक्ता की भूमिका राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर धनंजय रहे। उन्होंने बताया कि मानवता की संपूर्ण जीवन समर्थन प्रणाली सभी पर्यावरण कारकों की भलाई पर निर्भर करती है और पर्यावरण वायु और जलवायु को भी नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पश्चात डॉक्टर किरण अंगीरा ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। 2 किलोमीटर तक रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में 55 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट का उद्घाटन किया गया। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं अधिक है। इस विधि में खाद का निर्माण अपेक्षाकृत कम समय में हो जाता है। इस विधि से प्राप्त खाद की गुणवत्ता भी अधिक होती है। वर्मी कंपोस्ट विधि से प्राप्त खाद का भंडारण भी ज्यादा सहजता से किया जा सकता है और इस खाद में बदबू नहीं होती है एवं मक्खी मच्छर भी नहीं पनपते हैं, जिससे वातावरण स्वस्थ रहता है। कार्यक्रम में संयोजक की भूमिका में प्रोफेसर धनंजय, उप समन्वयक डॉक्टर जसप्रीत कौर और समन्वयक डॉक्टर कौशल चौहान रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर कॉलेज के प्रधान अरविंद अग्रवाल और कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर किरण अंगीरा ने शुभकामनाएं दी एवं भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम करवाते रहने को प्रोत्साहित किया। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। इससे प्रदूषण तो होता है, लेकिन इससे जो है ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी इसका बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। WHO की रिपोर्ट के अंदर बात कही गई है कि जो एक मिनिमम होता है ह्यूमन बॉडी के लिए वो 60 डेसिबल तक जो है सही होता है, 60 to 70 डेसिबल। अगर 70 से ज्यादा अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे कान को और जो प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण वो भी जो है उससे फैलता है। आज जरूरत हमें यही है कि इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में अगर इस दिन को हम लोग सही तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो हम सभी लोग पढ़ लें कि जो सरकारें काम कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर वो तो गवर्नमेंट के लेवल पर काम हुई, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कहीं पर भी हमने देख लिया कोई कूड़ा करकट प्लास्टिक डस्टबिन अगर रखी है तो उसको उठा करके हम प्रॉपर जगह डस्टबिन के अंदर उसको डालें। हम उसको इग्नोर ना करें कि अगर कोई प्लास्टिक है अगर हम उसको उठा करके डस्टबिन में डालेंगे चाहे हम रोड पर ही जा रहे हैं उसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी। उसमें अगर आप करेंगे ऐसा तो 2-4 लोग अगर और देखेंगे तो उनमें से डेफिनेटली 50% लोग जो उसको फॉलो करेंगे। आज हमें जरूरत इसी बात की है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको हम सहयोग दें और उनको सहयोग देने के साथ साथ हम अपने लेवल से जो भी कार्यवाही कर सकते हैं अपने लेवल पर हमें काम करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। बेटा जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस करी गई थी 1972 के अंदर वो 12 दिन तक जो मीटिंग चली थी उस 12 दिन की मीटिंग के अंदर 7 जो है प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए गए थे और उनके अंदर ये बात कही गई थी कि विश्व के सभी देश मिल करके उन 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है काम करेंगे। उन 7 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल ये भी था कि हम कोई ऐसा थिंग डिक्लेयर करेंगे जहाँ पर हम क्या करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करेंगे और सेलिब्रेट करने का पर्पज है इस दिन के इम्पोर्टेंस को बता सकें, कोई ऐसा दिन हो ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकें। तो 19 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल से क्या थे हमारे कि पर्यावरण दिवस को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, तो वहाँ पर डिसाइड किया गया कि 5 जून जनवरी पहली मीटिंग हुई तो उसी दिन को हम क्या करेंगे पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद जो है एक नॉर्वे की डिक्लेरेशन हुआ बेटा 1982 के अंदर और ये जो नॉर्वे की डिक्लेरेशन हुआ था ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के ठीक 10 साल के बाद किया गया और जो नॉर्वे डिक्लेरेशन था इसके अंदर वही बात करी गई कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर 7 मुद्दे तैयार किए गए थे जिनके ऊपर बात चली कि हम इनको इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो करेंगे और ये 7 मुद्दे ऐसे थे जिन पर उस समय की 119 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और 119 कंट्रीज ने इसको आइडेंटिफाई किया और उस पर सिग्नेचर किया कि हाँ इन 7 प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर फोकस करेंगे। उसके बाद में एक वियना
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।